और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने कानपुर में उन शिक्षकों को सम्मानित किया जो कि बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। किदवई नगर स्थित रेस्टोरेंट से शिक्षादानियों का सम्मान किया गया। फाउंडेशन पदाधिकारियों ने बताया कि ये ऐसे शिक्षादानी हैं जो ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं जो बस्तियों में रहते हैं। भिक्षावृत्ति में लगे ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधन विहीन हैं, ऐसे में ये शिक्षादानी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आए। अध्यक्ष आदित्य पोद्दार ने बताया कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि है। इस दौरान 8 शिक्षकों का सम्मान किया गया। संरक्षक रामगोपाल तुलसियान, एसएन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में बताया कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। महासचिव सुरभि द्विवेदी, प्रमुख सचिव विनीता अग्रवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमने जो हमारे एनजीओ से जुड़े हुए ऐसी संस्थाएं हैं जो बस्तियों में बच्चों को निःशुल्क सेवा दान कर रही हैं, ऐसे लोगों का सम्मान किया था। उसमें लगभग 12 लोगों का आज हमने सम्मान किया जो पूरे कानपुर में और ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारे बीच में अध्यापक और अध्यापिकाएं आई हैं और बच्चों का गणेश वंदना से ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। निरंतर ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हम लोग बस्तियों में जा करके उनके लिए जो भी अच्छे से अच्छा होता है ऐसे एनजीओ को हम लोग मदद करते हैं। आज के कार्यक्रम में सम्मान समारोह में उनका